मास्क लगाने की अनिवार्यता को दर्शाने के लिए बड़ी रंगोली बैतूल में बनाई गई है। बैतूल की टीमों ने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक नया प्रयास किया है और इसी के तहत पुलिस ने बैतूल में पुलिस परेड ग्राउंड में हेलीपैड पर पूरे हेलीपैड को आकार की एक विशाल रंगोली बनाई है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। रंगोली में एक पुलिस जवान को मास्क लगाए दर्शाया गया है। रंगोली का आकार इतना बड़ा है कि इसे पूरा देख पाने के लिए ड्रोन कैमरे की आवश्यकता होगी। बैतूल की पुलिस अधीक्षक शिमाला प्रसाद ने एक अनूठा प्रयोग किया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि मास्क हमें क्यों जरूरी है। ये रंगोली का आइडिया पुलिस विभाग द्वारा मिला था, जिसे हमारे रंगोली आर्टिस्ट सुधीर मालवीय जी ने मुझसे कहा था कि मुझे हेल्प चाहिए आपकी, तो मैंने अपने आर्ट टीम के बच्चों के साथ मिलकर यह रंगोली बनाई है, तो जिसमें मेरे साथ पाँच से छः बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया है सुबह से आके, और हमने ये कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई है। कितने स्क्वायर फीट में बनी हुई है? ये पूरे हेलीपैड के बराबर बनी हुई है, पुलिस ग्राउंड में जितना बड़ा हेलीपैड है उसके बराबर ही बनी हुई है हमारी। जो रंगोली बनाई गई है किस जगह पर और कितनी बड़ी रंगोली बनी है और क्या थीम रखा गया है? ये बैतूल पुलिस ग्राउंड में रंगोली के माध्यम से हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि मास्क पहनें और सुरक्षित रहें, और इसमें सभी पुलिस कर्मियों का एक संदेश है जो एक कंबाइंड तरीके से हम लोग देना चाह रहे हैं पूरे जिलेवासियों को कि कृपया मास्क पहनें और खुद स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और ये रंगोली बड़े स्तर पे बनाई गई है ताकि पब्लिक के लोग भी आएँ, इसे देखें और इससे प्रेरित होकर मास्क पहनें। कितने लोग लगे थे इसको बनाने में? इसको बनाने में तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लगे थे, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 आर्टिस्ट हैं, उसके साथ साथ हमारे पुलिसकर्मी भी सहयोग में लगे हुए थे, और आज ये 4-5 घंटे की मेहनत के बाद ये रंगोली तैयार हुई है।